साथियों नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों आज जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिव्यांग स्कूटी योजना से रिलेटेड। साथियों अब क्या है कि स्कूटी का जो है अंतिम स्टेप चल रहा है, तो कुछ वीडियो के माध्यम से केवल और केवल मैं स्कूटी से रिलेटेड ज़्यादा बात करूँगा। हालाँकि दूसरे पर भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करेंगे वो स्कूटी से रिलेटेड करने वाले हैं कुछ वीडियो में, आने वाले वीडियो में, है ना। तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्शन की बात की मैंने बात कर ली थी कि क्या होने वाला है। आपका फॉर्म जो है कमेटी के द्वारा जो है लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तो इस वीडियो में हम माध्यम से हम जानेंगे, छोटा छोटा जानेंगे कि लाभार्थियों की सूची कैसे तैयार की जाएगी। हालांकि विस्तारपूर्वक एक वीडियो के माध्यम से अलग से बताने वाला हूं मैं आपको। कल वो वीडियो आ जाएगा, उसमें बता दूंगा मैंने कि लाभार्थियों की सूची वो कैसे तैयार होगी अच्छी तरह से। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शन की बात की प्रक्रिया तो होने वाली है कि सूची तैयार करना, है ना, लेकिन किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है इसमें मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, किस किन का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए आपका फॉर्म जो है DLO ने अप्रूव कर दिया, ऑब्जेक्शन दे दिया, ये दोनों काम है DLO का। फॉर्म अप्रूव करने के बाद वो जाता है कमेटी के पास। अब जरूरी नहीं है कि 5000 स्कूटियाँ देनी तो 5000 ही फॉर्म अप्रूवल होंगे। DLO ने कई फॉर्म जो है अप्रूव कर दिए, है ना, जैसे 60 चित्तौड़गढ़ से किए होंगे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 70 ऐसे करते करते राजस्थान की ऑल ओवर फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा आ गए हैं। यानी कि डबल फॉर्म जो है आपके फॉर्म अप्रूव किए गए कमेटी के पास, 5000 ही नहीं उनके पास ज़्यादा फॉर्म आए हैं। अब कमेटी को देनी है स्कूटियाँ कितनी, केवल और केवल 5000 स्कूटियाँ, तो किनका सिलेक्शन होगा, किनको स्कूटी मिलेगी, ये मैं आपको बात बताने वाला हूँ। देखिए स्कूटी का फॉर्म सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, 6000, 7000, 8000, 10000, 15000 फॉर्म जितने भी अप्रूव फॉर्म आए हैं कमेटी के पास, वो क्या करेगी, छटाई करेगी। कैसे करेगी, सबसे पहले कॉलेज वालों को वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कितने भी आए जाए, 5000 कॉलेज वाले ही आ जाएंगे तो उनको दे देंगे, रोजगार वालों का नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसे है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कॉलेज वाले को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद रोजगार वाले को वरीयता दी जाएगी। अब रोजगार वाले में किसको वरीयता दी जाएगी, समझ लो कि 3000 कॉलेज वाले आ गए और 3000 रोजगार वाले आ गए, तो उनको तो ये 6000 हो गया स्कूटियाँ, 5000 उनको स्कूटियाँ देनी है, तो 2000 कैसे लाएंगे आप, 1000 रिजेक्ट करने पड़ेंगे। 1000 रिजेक्ट कैसे करेगी वो, सबसे पहले जिनकी डिसेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, उनको वरीयता दी जाएगी, उनको स्कूटी पहले दी जाएगी, उनको वरीयता पहले दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जिनकी आय कम होगी, माता पिता की आय या उनकी खुद की आय कम होगी, उनको जो है वरीयता दी जाएगी, बेरोजगारों को वरीयता पहले दी जाएगी जिनकी आय कम होगी, ठीक है ना। ये नॉर्मल रोल ऊपर से बता दिया मैंने, ठीक है ना, और विस्तार पूर्वक अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिर फॉर्म जाएगा आपका निदेशालय के पास, और उसके बाद वो जो है कमेटी की जो है की सिफारिश पर स्कूटियाँ देगी दिव्यांगजनों को, ठीक है ना। ये मोटा मोटा मैंने जान के ली, स्कूटी किन्हें मिलेगी, कॉलेज वालों को पहले मिलेगी 3000 में कितने भी आए फॉर्म, उसके बाद रोजगार वालों को मिलेगी, रोजगार में भी ज़्यादा फॉर्म आ जाते तो पहले वरीयता किसे देगी, पहले प्राथमिकता किसे देगी कमेटी, उन्हें देगी जिनकी आय कम हो, आय जो है आयु नहीं आय आय कम होगी, है ना, और आयु भी कम होगी उनको, और डिसेबिलिटी जिनकी विकलांगता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने जानकारी बता दी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।